सो एक नया कॉम्बिनेशन देखने मिला है थिएटर्स में, विच इज आर बाल्की, सनी देओल एंड दुलकर सलमान। बट क्या इनकी लेटेस्ट फिल्म चुप थिएटर्स में देखने लायक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे रिव्यू में। सो चुप इज अ थ्रिलर फिल्म जहाँ पे एक साइको किलर इज ऑन अ हंट टू किल द क्रिटिक्स जो फिल्म्स को रेटिंग्स देते हैं। क्रिटिक्स का क्रिटिक। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी फ्रेश है, इट्स एन अनटच्ड आइडिया, कोई भी डायरेक्टर ने कभी इस टॉपिक पे कभी फिल्म नहीं बनाई है। बेकार रेप कैसे कर सकता है यार। And the pace of the film never lets you down. इस फिल्म में ना काफी references दिए to गुरुदत्त and कागज के फूल। कागज के फूल। So if you are a movie lover, if you are a movie buff, तो आपको वो references देखने में बहुत मजा आएगा। Action hero सनी देओल and दुलकर सलमान को एक साथ बड़े screen पे देखना was very refreshing, and दोनों के performances will keep you hooked till the end. For the very first time, आर बाल्की ने एक thriller film direct की है। When you see this film on the big screen, आपको समझ आएगा कि उन्होंने पूरा heart and soul डाला है while making this film. Okay, so the only negative point for me is फिल्म का climax. इस फिल्म का क्लाइमैक्स मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। व्हेन यू सी द फिल्म, उन्होंने काफी अच्छा बिल्डअप दिया है, जब किलर रिवील होता है क्लाइमैक्स फॉल्स फ्लैट एंड इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओवरऑल वर्डिक्ट, दिस फिल्म इज वेरी ग्रिपिंग। सो अगर आप दुलकर या फिर सनी के दोनों के फैंस नहीं हो, स्टिल यू कैन वॉच दिस फिल्म एंड आई एम वेरी श्योर कि आप ये फिल्म जरूर एंजॉय करोगे। सो इस फिल्म को मैं देता हूँ 3 out of 5 मिर्चीज एंड आई जस्ट होप कि यू नो इस रिव्यू के बाद मेरे माथे पे वो 3 स्टार्स ना आए। डाल दे रहा है क्रिटिक्स का क्रिटिक।